दिशा शिखा और आप सबका आपके चैनल शिखा शरारत में वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बहुत ही चटपटा स्नैक्स जो कि आप बारिश के मौसम में ट्राई कर सकते हैं, किसी गेस्ट के आने पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम सामानों के साथ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस पोटैटो पिनव्हील समोसा को। तो चलिए एक आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी बढ़िया रेसिपी की आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। तो मैंने एक कप मैदा लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा कम या ज़्यादा इसको अपने रख सकते हैं। साथ डाल रही हूँ थोड़े से अजवाइन, दो चम्मच ऑयल, आलू लिए हैं और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक, ये मैंने एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा उसको ग्रेट कर लिया है, हरा धनिया, ये मैं आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और ये आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। आटे से हमने एक पोर्शन ले लिया है और उसको अब मैंने एक सरफेस के ऊपर या फिर आप चाहे तो जो हमारा चकला होता है उसके ऊपर भी बेल सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी एक पतली सी लोई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पतली सी रोटी बनकर सॉरी। और अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, जो मेरी जो आलू की स्टफिंग है उसकी एक पतली पतली सी लेयर मैं पूरे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि पतली सी लेयर मैंने इसके ऊपर पूरे के ऊपर अच्छे से फैला दी है और अब मैं इसको कर रही हूँ रोल। तो आपको एक साइड से उठाते हुए इसको ऐसे आप इसको रोल कर लेंगे, ये देखिए इस टाइप से, और बड़ी आसानी से ही ये रोल हो जाता है। एक दो बार इसको ऐसे घुमाइए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। चलिए अब इसको करते हैं कट। तो थोड़े से साइड से कट कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको निकाल देती हूँ। तो अब एक एक इंच के डायमीटर में आप इसको कट कर लीजिए इस टाइप से। तो देखिए एक एक को हाथों से मैं दबाकर इस टाइप से आपको थोड़ी सी शेप दे देनी है। तो एक को आप ऐसे हाथों में लीजिए और थोड़ा सा इसको राउंड करके ऐसे बस थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो थोड़ी ये राउंड सी शेप में आ जाएगा। तो इसी टाइप से सारे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। देखिए अब एक हम इसको उठाएंगे और मैदा के घोल में डिप करेंगे हल्का सा, बस जिस पर एक पतली सी लेयर आ जाए मैदा की कोटिंग की, और इसको हम ऑयल में डाल के जाएंगे। समोसा है या बोल सकते हैं पिनव्हील सैंडविच आलू के, तो वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ इनको, उस पर मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया पहले से ही ताकि जो भी इसमें एक्सेस ऑयल हो वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे एकदम बढ़िया सा स्नैक्स मानसून स्पेशल ये बनकर तैयार हो चुका है। जब कभी भी अभी बारिश का मौसम जैसे चल रहा है, मन करता है आपका कुछ चटपटा सा हो जाए लेकिन कोई झंझट वाला ना हो, बहुत जल्दी बन जाए, तो ये स्नैक्स आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बिल्कुल आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, घर में अवेलेबल सामान से बनकर ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है रेड कलर का उसको आपको प्रेस करना है, उससे क्या होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप अच्छी सी वीडियो को वो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।